टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, कौन से होते हैं टेंजिबल नॉन करेंट एसेट? नॉन करेंट एसेट कौन से होते हैं? नॉन करेंट एसेट जिनके लाइफ मोर देन 1 ईयर, और जो कि हम नॉर्मली बिजनेस यूज के लिए बाय करते हैं, सेल करने के लिए नहीं खरीदते। और टेंजिबल नॉन करेंट एसेट कौन से होंगे? जो फिजिकली प्रेजेंट हो, देख सकें, टच कर सकें। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट्स। ठीक, तो ये होते हैं आपके टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड है, टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है, नेचर इसकी एक्सपेंस। होता क्या है, देखिए, आपने एक एसेट बाय किया, आपने एक टेंजिबल नॉन करेंट एसेट बाय किया। इसकी डेफिनेशन तो अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले समझा देता हूँ होता क्या है। आपने एक टेंजिबल नॉन करेंट एसेट बाय किया, मशीन आपने परचेज की जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। अच्छा, वो मशीन की लाइफ है कितनी? 5 ईयर्स। अच्छा, आज हम मशीन परचेज कर रहे हैं, आज हम क्या एंट्री बनाएंगे? मशीन डेबिट, बैंक कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इफेक्ट्स क्या होंगे? एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज हुआ, एंट्री बनेगी मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब मशीन हमने परचेज की, मशीन इंस्टॉल की और यूज करना शुरू कर, ठीक है, मशीन स्टार्ट हो गई। ओके, अब कितने साल यूज होगी? 5 ईयर यूज करेंगे हम। 5 ईयर के बाद ही मशीन हमारी एक्सपायर हो जाएगी, तो 5 ईयर के बाद हम मशीन को डिस्पोज कर देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे ना। अच्छा, 5 ईयर के बाद क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे? 5 ईयर के बाद जब मशीन आपकी यूज हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, तो उस वक्त क्या एंट्री बनेगी, क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे? जी, 5 ईयर के बाद क्या इफेक्ट? हाँ, तो 5 ईयर के बाद क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे? यार, फाइव ईयर के बाद क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे? 5 ईयर के बाद क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड? मशीन आपकी एक्सपायर हो जाएगी, डिस्पोज कर देंगे, तो एसेट डिक्रीज हो गए। और सेकेंड इफेक्ट, इफेक्ट पूछ रहा हूँ पहले तो वो बता। एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना हमारा। ये आज हमने मशीन खरीदी, एसेट इंक्रीज हुए, 5 ईयर तक हम मशीन यूज करेंगे, तो मशीन हमारी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगी ना, मशीन यूज हो जाएगी, तो ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा, वो जो एक्सपेंस होगा उसे हम नाम क्या देंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो उसे क्या जाता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसको डिफाइन आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि 5 ईयर में हमने मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, मशीन हमारी एक्सपायर हो गई, तो ये बन जाएगा हमारा एक्सपेंस, और उसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन लिख लें, पर फिर उसको मजीद बात। डेफिनेशन क्या है? इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द टेंजिबल नॉन करेंट एसेट That has been consumed during the period. Economic benefit that has been consumed during the period. अच्छा, ये तो मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट of the tangible asset that have been consumed during the period. क्या मतलब हुआ? अब सपोज कर लेंगे कि हमने एक मशीन बाय की 1 लाख की, ठीक है, इसकी लाइफ है 5 ईयर। आज हम मशीन बाय कर रहे हैं, तो आज हम एंट्री क्या बनाएंगे? मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि एसेट इंक्रीज और एसेट डिक्रीज। ओके, अब 5 ईयर तक ये मशीन हम यूज करेंगे, तो 5 ईयर के बाद ये मशीन हमारी कंज्यूम्ड हो जाएगी, यूज हो जाएगी, कंज्यूम्ड हो जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा
एक्सपेंस, ठीक है। तो एज यानी कि फाइव के बाद क्या होगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे और एसेट डिक्रीज, सही। अच्छा अब जो एक्सपेंस बनेंगे, ये बन गए हमारा एक्सपेंस ना यूज होने के बाद, तो उससे नाम हम क्या दे देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा ये बताएं कि ये जो एक्सपेंस होगा ये कब रिकॉर्ड करेंगे, आज ही रिकॉर्ड कर लें 5 ईयर के बाद या कुछ और ट्रीटमेंट, 5 साल बाद, हर ईयर करेंगे, अभी करेंगे, कब रिकॉर्ड करें, ईयर एंड पे, हर ईयर है या 5 ईयर बाद, क्यों रिकॉर्ड रिकॉर्ड करें, रीजन कोई बचा, रूल नहीं, ठीक है। देखिए हाँ तो होगा क्या, अब हमें पता ही मशीन हमने बाय की, 5 ईयर ऐसे यूज करेंगे तो ये 5 ईयर में आपकी मशीन कंज्यूम्ड हो जाएगी, आपका एक्सपेंस बन जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से। तो डेप्रिसिएशन को इन शॉर्ट आप ऐसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट लिख सकते हैं। अच्छा रिकॉर्ड हम जिसको करेंगे, हम जो 1 लाख हमारा एक्सपेंस होंगे तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे ईयरली बेसिस पर, हर ईयर एंड पे रिकॉर्ड करेंगे, ना 5 साल बाद ना आज, हर ईयर एंड हम क्या करेंगे 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर क्या आ जाएगा 20,000। अब ये कह सकते हैं कि 1 साल में हमने 20,000 की मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, तो वो एक्सपेंस हो गए। तो ईयर एंड पे एक्सपेंस कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 20,000, फिर थर्ड ईयर में 20, 20, 20, इस तरह से 5 ईयर में हमारी पूरी 1 लाख की मशीन यूज हो जाएगी, कंज्यूम। तो हर साल हम 20,000 एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, बजाय इसके किसी 1 साल में पूरे 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे। बताता हूँ क्या होगा फिर। अच्छा अब इसकी रीजन क्या है, हर साल क्यों रिकॉर्ड करेंगे, ईयर एंड पे क्यों नहीं, 5 ईयर के बाद क्यों नहीं, तो एक अकाउंटिंग रूल है हमारा, तो हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड इन विच रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। जिस ईयर जो इनकम आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए। लेकिन बगैर कॉस्ट इनकर किए रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, बगैर कॉस्ट इनकर किए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकती। तो पहले आप कुछ इनकर करेंगे कॉस्ट, तो रेवेन्यू जनरेट होती है। तो प्रूडेंस क्या कहता है, जिस ईयर में आपने जितनी इनकम जनरेट की, रिकॉर्ड की, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो भी उसी ईयर में चार्ज, इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल ये। जैसे 1 साल में आपने टोटल आपकी सेल रही हुई 5 लाख की, 1 ईयर की सेल्स 5 लाख है और उस 1 ईयर के एक्सपेंस था आपके 3 लाख के, तो इनकम कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख, तो एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 3 लाख, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका ना 2 लाख। अच्छा आप ये नहीं कर सकते कि इनकम आप पूरी रिकॉर्ड कर लें 5 लाख से और एक्सपेंस आप चार्ज करें 2 लाख, आप कह रहे 2 लाख इस साल चार्ज कर लेते हैं, 1 लाख नेक्स्ट ईयर में चार्ज कर लेंगे, तो ऐसा तो मैचिंग सब क्या कहता है कि आपके जो इनकम और एक्सपेंस वो मैच होने चाहिए। तो 1 ईयर में आपने जो इनकम जनरेट की, रिकॉर्ड की, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में चार्ज होने चाहिए। अब ये रूल यहाँ कैसे अप्लाई होता है, देखिए मशीन है इसकी लाइफ है 5 ईयर, 5 ईयर तक ये मशीन हम यूज करेंगे, सपोज मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, तो 5 ईयर तक इससे प्रोडक्ट बनेगी, 5 ईयर तक प्रोडक्ट सेल होगी, तो 5 ईयर तक रेवेन्यू जनरेट होगा, तो एक्सपेंस भी 5 ईयर में चार्ज होना चाहिए, बजाय इसके कि पूरे 1 लाख हम किसी 1 साल में चार्ज। तो इससे क्या करेंगे, एक सिंपल क्या होगा कि 1 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो आंसर क्या आएगा, 20,000, तो हम क्या करेंगे हर साल 20,000 एज एन एक्सपेंस चार्ज करते, और रीजन मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि मशीन हमें बेनिफिट देगी 5 ईयर तक, इसलिए एक्सपेंस भी 5 ईयर में डिवाइड होंगे बजाय इसके किसी 1 साल में चार्ज, सही है। और यही मेरे ख्याल फेयर ट्रीटमेंट भी है। अभी आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ आ गई। अच्छा देखिए हम जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, अभी तो मैंने एक रफ आइडिया दिया आपको, क्या करें 1 लाख को डिवाइड करते हैं 5 से, आपका 20,000 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट नहीं होता, इसके लिए हमारे पास कुछ
फॉर्मूलाज हैं प्रॉपर, जिनको यूज करते हुए हम अपने 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, फॉर्मूले से पहले एक चीज बता दूं, देखिए जब हम न्यू एसेट खरीदते हैं तो पहले तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है ना। अच्छा, एक न्यू एसेट आप खरीद रहे हैं, आप उसकी जो कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे उसमें परचेज प्राइस के अलावा भी कोई एक्सपेंस ऐड होंगे या नहीं? हाँ, जैसे आप फर्ज का, हाँ जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, और अगर कोई एसेट है इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही है तो इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, सब चीजें ऐड हो जाती है ना, उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, पहले आपको कॉस्ट का बता दूं। इनिशियल कॉस्ट नहीं, जरूर जो भी आप न्यू एसेट खरीदेंगे उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी वो तो रीड कर लें। चल गया, आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड। आई थिंक इस एसेट, जो भी एसेट आप खरीद रहे हैं उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी आपकी कॉस्ट, नेसेसरी कॉस्ट इंटर होंगी वो सब ऐड करें। अब नेसेसरी कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है वो पढ़ते हैं। दिस वुड इंक्लूड नॉट ओनली इट्स ओरिजिनल परचेज प्राइस बट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। जैसे फॉर आप एक मशीन लेकर आए, अब मशीन आप इंस्टॉल करेंगे तो जिस जगह इंस्टॉल करेंगे तो उसको पहले आप लेवल वगैरह कर लेंगे, कुछ फर्श वगैरह बना लेंगे, बेस बनाएंगे, उसके मशीन आपकी इंस्टॉल हो, साइट प्रिपरेशन हो गई। इसके बाद डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ गई, इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे भी ऐड हो जाएंगे। अच्छा, रिलेटेड प्रोफेशनल फीस फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर, अगर आपने कोई आर्किटेक्चर हायर किया है, कोई इंजीनियर हायर किया तो उसकी फीस भी ऐड हो जाएगी। जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी और एक सिविल इंजीनियर की जरूरत भी पड़ती है, उनकी जो भी फीस वगैरह होगी वो भी ऐड करेंगे तो आपके एसेट की कॉस्ट आएगी ना। इसके बाद है फिर टेस्ट रन कॉस्ट, ये क्या होती है टेस्ट रन कॉस्ट, इसको टेस्टिंग कॉस्ट भी कह सकते। सपोज आप जैसे घर में एक एसी इंस्टॉल करवाते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद जो भी टेक्नीशियन होता है उसको पैसे देने से पहले आप क्या कहते हैं, चला के दिखाओ, चेक कराओ, चला के दिखाता है, ऑन करता है, उसकी कूलिंग वगैरह चेक करते हैं, आप लीकेज चेक करते हैं, तो ये टेस्टिंग होती है ना। अब इसी तरह अगर हमने कोई मशीन इंस्टॉल करवाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है हमारे, एक मशीन इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन के बाद आप एक दो यूनिट्स बना के चेक करेंगे ना कि प्रोडक्ट सही बन रही है या नहीं बन रही, दो चार सैंपल निकालेंगे, ठीक है, और तो उसके बाद फिर वो आपकी मशीन स्टार्ट। या घर पे आप जैसे कोई प्रिंटर खरीदा, आपने एक प्रिंटर इंस्टॉल किया तो एक दो टेस्ट पेज निकालते हैं ना चेक करने के लिए, इंस्टॉलेशन सही हो गई नहीं, भी प्रिंट आउट सही आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद फिर काम स्टार्ट, ऐसे ही है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको वर्किंग में लाने से पहले टेस्टिंग की जाती है। चल, तो टेस्टिंग पर भी कुछ कॉस्ट इनकर होगी या नहीं? जैसे मशीन आपने इंस्टॉल किया, मशीन से आप दो चार यूनिट्स आप बनाएंगे ना, सैंपल बनाएंगे चेक करने के लिए कि इंस्टॉलेशन सही हो गई नहीं भी, उसमें आपका कुछ रॉ मटेरियल यूज होगा, कुछ आपके ओवरहेड्स यूज हो जाएंगे, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी उसमें ऐड होगी। टेस्टिंग कॉस्ट आ गई, इसके बाद एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट एंड रिस्टोरिंग द, जब ये क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये क्या होगी, डिसमेंटल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल, डिसमेंटल करना असेंबल का अपोजिट होता है, तोड़ना, इसको तोड़ डिसमेंटल करना, उसको डीअसेंबल करना तोड़। इसके बाद क्या करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, यानी कि जब वो एसेट आपका डिसमेंटल होगा 5 ईयर 10 साल 20 साल बाद, उस वक्त क्या कॉस्ट आएगी, उसके बाद उसको आप रिमूव करेंगे, अपनी साइट को रिस्टोर करेंगे ताकि न्यू एसेट इंस्टॉल हो सके, तो वो भी उसमें आप ऐड कर ले। तो ये सब चीजें एक्सपेंस ऐड होने के बाद आपके पास आएगी इनिशियल कॉस्ट, और उसमें हम अपने एसेट को रिकॉर्ड करें, सही, ये हो गया कॉस्ट मेजरमेंट। तो अपने याद रखना क्या क्या एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंस हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ चीज लिखा हुआ नेसेसरी, अगर कोई अननेसेसरी कॉस्ट इनकर होगी तो वो ऐड
जैसे लोडिंग अनलोडिंग में या इंस्टॉलेशन में आपका एसिड डैमेज हो गया, उसको रिपेयर तो करवाना पड़ेगा। क्या वो रिपेयरिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे इनिशियल कॉस्ट? वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि डैमेज करना नेसेसरी नहीं है, वो आपके मिस्टेक से डैमेज हुआ, उसको अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं। जो नेसेसरी एक्सपेंसेस सिर्फ वही ऐड। बात होगी इनिशियल कॉस्ट मेजरमेंट की, आप चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास ऑफकोर्स मेथड्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिनको यूज करते हुए हम 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, टोटल मेथड होते हैं 5, लेकिन आपके कोर्स में फिलहाल 2 ही मेथड्स हैं, तो उन 2 पे ही हम बात करें। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकेंड है, इसके 3 नाम है, रिड्यूसिंग डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक ही मेथड के 3 नाम। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? कि जब आपका एसेट एक्सपायर हो जाएगा, लाइफ पूरी हो जाएगी, तो आप उसको स्क्रैप कर देंगे ना, कबाड़ियों को भेज देंगे, डिस्पोज करेंगे, तो वो उस वक्त जो पैसे मिलेंगे वो कहलाएगी स्क्रैप वैल्यू। जैसे एसी आपका खराब हो गया, पुराना एसी निकाल के नया लगाएंगे, तो पुराने के क्या करेंगे? कबाड़ में दे देंगे, स्क्रैप में भेज देंगे, तो उस वक्त जो पैसे मिलेंगे वो स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। अच्छा, इसके भी 2-3 नाम है, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं इसको, सैलवेज वैल्यू भी कहते हैं, डिस्पोज वो तो अलग है, डिस्पोजल कॉस्ट तो अलग है, कितने में सेल होगा वो स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, या इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, इसके बाद ये रिड्यूसिंग का फॉर्मूला होगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन होगी, 10, 20, 30 से मल्टीप्लाई। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्यूमुलेट के मीनिंग क्या होता है? एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है सम करना, एक्यूमुलेट करना, सम करना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा? आपके जो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन होता है उनका सम। पीछे मैंने लिख भी दिया है, सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंड। जैसे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने, सपोज 10,000, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ 8,000, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा? 18,000। 10 प्लस 8, अब थर्ड ईयर का कैलकुलेट किया हमने सपोज 6,000, तो 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24, 24,000 क्या कह जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको एक्यूमुलेटर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। वैसे ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका एक फॉर्मूला और है, और वो ये है, कुछ इस तरह, कॉस माइनस स्क्वायर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। स्ट्रेट लाइन में अगर लाइफ गिवन होगी तो लाइफ से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज गिवन होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाए। तो ये दो फॉर्मूले, दोनों में से कोई भी यूज करके हम अपने एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, कब कौन सा मेथड यूज होता है, ये भी अभी मैं से बात करेंगे हम, पहले ये कॉपी कर, कॉपी कर लिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लें। ऑन जनवरी 1, 2010 यूनिलीवर लिमिटेड परचेज अ मशीन विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 मिलियन, ट्रेड डिस्काउंट इज 20% विद यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, हैविंग ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 1 लाख डॉलर। ठीक, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 10, 2010, 11, 12 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका डेप्रिसिएशन निकालना है 3 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, फॉर्मूला लिखते हैं।
फॉर्मूला है आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अब कॉस्ट कितनी लेंगे? अच्छा ये बताइए कॉस्ट क्या लेंगे, 10 लाख या डिस्काउंट माइनस करके? डिस्काउंट माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट है तो जलासी माइनस होगा, इसका 20% बन जाएगा 2 लाख। 10 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो कॉस्ट आएगी 8 लाख। ठीक, कॉस्ट हो गई 8 लाख, लाइफ 20 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख। वैल्यू सपोर्ट करते हैं 8 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 20, माइनस करके डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1 ईयर का एप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 35,000। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड पे हम ये कह सकते हैं कि हमने 35,000 की मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली और ये बन गया हमारा एक्सपेंस। कॉपी कर लें। ओके, ये तो हो गया 2010। 2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं तो यही आंसर आता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है। सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यूज, सेम आंसर है। अच्छा इसमें ये नहीं होगा, अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं कि 20 की जगह 19 कर दें लाइफ, फिर 18 कर दें, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड लाइफ, रिमेनिंग लाइफ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 20 इयर्स, तो हमेशा 20 ही लिखे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहा। ओके, अच्छा यू गेट 2011। 2012, 2012 में भी सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यूज, सेम आंसर आ जाएगा 35,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, रिक्वायरमेंट भी Depreciation expense of 2010, 11 and 12 using reducing balance method at 10%। अब यहाँ से परसेंटेज हमें दे दी, ठीक है, 10%। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ओके, कॉस्ट कितनी लेंगे? कॉस्ट तो वही आएगी 8 लाख। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक, देखिए एक्यूमुलेट मैंने क्या बताया, क्या होता है सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो ये हमारा पहला साल है 2010, प्रीवियस ईयर कोई भी नहीं है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा? जीरो। तो कॉस्ट होगी 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो, 10% का रेट है इसका, 80,000 का 10%, 8 लाख का 10%, 80,000। ये 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 80,000। कॉपी कर लें जरा। 2010, अब 2011, अच्छा कॉस्ट तो वही रहेगी 8 लाख, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 80,000, क्योंकि यहां पर अब एक प्रीवियस ईयर आ गया ना, तब हम लिखेंगे 8 लाख माइनस 80,000 इंटू 10%, तो ये 2011 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 72,000। कॉपी कर लें। ओके, थाउजेंड ट्वेल्व, तो 2012 में बताए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 152। हाँ देखिए, अब यहाँ पर दो प्रीवियस ईयर आ गए 2010 और 11। 2010 का डेप्रिसिएशन था 80,000 और 11 का 72,000, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक्यूमुलेटेड बन जाएगा 152,000। हम लिखेंगे कॉस्ट 8 लाख, एक्यूमुलेटेड 152,000 इंटू 10%, अब ये 2012 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 64,800। कॉपी कर लें। ओके,
ये तो हो गया रिक्वायरमेंट ए एंड बी। अच्छा रिक्वायरमेंट सी और डी, इसमें एंट्रीज हैं, टी अकाउंट, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट। ये तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा मुझे फिलहाल ये बताएं आप, ये दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है और रिड्यूसिंग में हर साल कम हो रहा है, 80, 72, 64, 800, और इसी तरह से कम होता जाए। अच्छा ये बताएं किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना बेहतर है। वैसे तो किसी भी एसेट के लिए कोई भी मेथड यूज हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। बेहतर क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखिएगा, इनकम और एक्सपेंस, बेनिफिट और एक्सपेंस मैच होने चाहिए। तो किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड बेहतर। हाँ देखिए, वो एसेट्स जिनसे आपको हर साल सेम बेनिफिट मिले उनके लिए यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, और जहां पे बेनिफिट बेनिफिट रिड्यूस हो वहां यूज करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग से आपको हर साल सेम बेनिफिट मिलेगा। जैसे क्लासरूम की बात करें, इसकी कैपेसिटी अगर 40 स्टूडेंट्स की है तो आज भी 40 है, 1 साल बाद भी 40, 5 साल बाद भी 40, एक बिल्डिंग हमें सेम बेनिफिट दे रही है, सेम कैपेसिटी। तो बिल्डिंग के लिए बेहतर क्या है, स्ट्रेट लाइन। फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर के लिए फर्नीचर स्ट्रेट लाइन सेम बेनिफिट मिलेगा। अच्छा मशीनरी की बात करें, अगर मशीनरी के लिए हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि देखिए नई मशीन या नई गाड़ी जैसे होती है मोटर व्हीकल, तो स्टार्ट में बेनिफिट ज्यादा देती है। जैसे एक नई मशीन आपने इंस्टॉल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो स्टार्ट में प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों अच्छी होगी, और जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी तो उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो मशीनरी के लिए बेहतर क्या है फिर, रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड। इसी तरह मोटर व्हीकल्स के लिए भी रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड बेहतर रहता है। ठीक, अच्छा एक पॉइंट और है, ये बताएं नॉन करेंट एसेट कौन कौन से होते हैं, जरा टेंजिबल नॉन करेंट एसेट के नाम बताएंगे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स। क्या ये तमाम एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे हम, क्या तमाम एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं, क्यों? लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, होती है, होगी। आज लास्ट में लैंड डेप्रिशिएट होगी नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? लैंड की वैल्यू कम नहीं होती, वैल्यू बढ़ती है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? हाँ देखिए, वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, डेप्रिसिएशन का वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, वैल्यू कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है, लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते, ना करने की रीजन क्या है, उसकी लाइफ। देखिए लैंड कभी खत्म होती है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की एक लिमिटेड लाइफ है, 50 साल, 60 साल, 100 साल खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस प्लॉट पे ये बिल्डिंग बनी है उस प्लॉट की लाइफ कितनी है, जमीन की लाइफ कितनी है, आखिर इनफाइनाइट अनलिमिटेड लाइफ है। तो लैंड कभी भी एक्सपायर नहीं होती, कभी भी कंज्यूम नहीं होती, यूज नहीं होती, खत्म नहीं होती, इसलिए हम लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते। लैंड के अलावा बाकी जितने भी एसेट्स हैं सबकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म, इसलिए वो डेप्रिशिएट होंगे। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती क्योंकि लाइफ अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है, वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, वैल्यू कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन रीजन क्या है, लाइफ। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, रीजन उसकी लाइफ इनफाइनाइट। सही, चलो ये पे ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।